मानवता के आधार पर और चाहे और लोगों का सिक्योरिटी पर्पस हमको देखना था, इसलिए साथ साथ में चल रहे थे। और गुड फेथ में मैंने काम किया है, कानून के सम्मत काम किया है, मेरी मंशा ठीक थी, उसी को नेगेटिव खबर बना करके लोग चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज राजद सुप्रीमो लालू यादव अपनी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ गोपालगंज पहुंचे। उन्होंने थावे मंदिर में माता रानी के दर्शन किए, वहां मत्था टेका। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब गोपालगंज पहुंचे थे तो उस वक्त वहां बारिश हो रही थी और उसके बाद एक वीडियो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में वहां के SGPO अनुराग कुमार लालू प्रसाद यादव के पीछे पीछे छतरी लेकर घूम रहे थे और जब से ये वीडियो वायरल हुआ विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है जब इनके सरकार में एक IAS IPS लेवल के अधिकारी भी इनके पीछे पीछे छतरी लेकर घूमेंगे, क्योंकि इनके सरकार में सुशासन है ही नहीं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक SGPO लालू प्रसाद यादव के पीछे पीछे छतरी लेकर घूम रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर SGPO अनुराग कुमार ने सफाई दी है, हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग कुमार। DM सरकार निर्देश था, पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश था, उसके आलोक में डिप्टेशन हुआ था फोर्स का, उसी के आलोक में हम लोगों ने किया। लेकिन इतनी तेज बारिश थी जिसके मद्देनज़र थोड़ी व्यवस्था मतलब कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग अपना पूरा प्रयास किए कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो और हम लोग इसमें कामयाब भी रहे हैं। अच्छा, ये एगो फोटो वायरल हो रहा है, छाता लेकर आप लालू जी को इकर है, VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो जो है बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी और हथियार मेरे पास भी था और मैं शुरू से ही अपना खुद की सुरक्षा के लिए छाता लिए हुए था। और चूंकि आगे आगे लोग थे और वृद्ध व्यक्ति हैं, मानवता के आधार पर और चाहे और लोगों का सिक्योरिटी पर्पस हमको देखना था, इसलिए साथ साथ में चल रहे थे, उसी को नेगेटिव खबर बना करके लोग चला रहे हैं। और गुड फेथ में मैंने काम किया है, कानून के सम्मत काम किया है, मेरी मंशा ठीक थी। अभी आपने SGPO अनुराग कुमार को सुना, उनका कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। वे वहां लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में लगे हुए थे और लालू यादव एक वृद्ध व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्होंने उनके सर पे छतरी लगाकर उन्हें बारिश से बचाने की कोशिश की। SGPO अनुराग कुमार का कहना है कि वो छतरी खुद के लिए लेकर गए थे, खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि लालू प्रसाद यादव भी वहाँ हैं और वह उनके ही सुरक्षा में लगे हुए थे और बारिश में भीग रहे थे, तो उन्होंने छतरी उनके तरफ कर दी ताकि वो उन्हें बचा सके। इनका कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।